1968 साल से दुलदुल की सवारी निकाली जाती है, जिससे हिंदू मुस्लिम मिलके भाईचारा के तहत मनाते हैं। इस दुलदुल सवारी में लाखों की भीड़ लगती है और ये यानी 14 तारीख को रात 11 बजे से लेकर सुबह 8 बजे तक जो घोड़ा होता है वो घोड़ा को निकालते हैं और उसमें लोग जो आए हुए देखने के लिए वो जलेबियाँ खवाती हैं। तो एक तरह से जलेबी की भी बहुत बिक्री होती है और यहाँ पर सवारी तो देखने आते ही हैं। ये आस्था से जुड़ा हुआ है, वो एक मुस्लिम की अकेले नहीं हर हिंदू की आस्था से भी जुड़ा हुआ है, क्योंकि चरखारी का ये सबसे पुराना और सबसे बड़ा फंक्शन है कि जो अभी शायद बुंदेलखंड में तो क्या अभी आसपास कहीं घोड़ा नहीं निकलता चरखारी के अलावा। दुलदुल की सवारी कब से निकल रही है और क्या कहना चाहेंगे? ये 168 साल से हमारे यहाँ ये परंपरा चली आ रही है, एकता का प्रतीक है हमारे यहाँ। जितना हिंदू ही मानता उतना जो है मुसलमान मानता है, दोनों मानते हैं, इसमें जलेबी खिलाते अपनी मानता को पूरा करते हैं। अब एक लाख के ऊपर भीड़ रहती है, लेकिन आना जाना लगा रहता है, भीड़ का इकट्ठी नहीं रहती कि पूरी 1 लाख इकट्ठी हो, कभी 10,000 15,000 24 घंटे इसमें भीड़ चलती, आना जाना चलते रहता है। बी पार्क वाले इमाम चौक से हमारा डिहुड़ी दरवाजा पर कहाँ पहुँचते हुए तुर्कियाना मोहल्ला से गंगा सिंह से होते हुए तुर्कियाना मोहल्ला असगर अली के घर के सामने हमारा जो है समापन होगा। आने का क्या उद्देश्य है? मानते हैं हम लोग कि जैसे हमने हमारे कोई मानता हुआ हमने कोई माना दिल में तो उसके निब्बू हम लोग देते हैं, वो निब्बू चांदी के चढ़ाते हैं, आप मानते जिसकी पूरी हो जाती है वो चढ़ाते हैं। किसको जलेबी देते हैं, किसको खिलाते हैं, थोड़ा बताएं। दुलदुल को देते हैं, दुलदुल को खिलाई जाती है, फिर वापस ले जाओ बोले प्रसाद के टाइप में। नहीं, दुलदुल कौन है? घोड़े को दुलदुल किया जाता है। घोड़े को दुलदुल कहा जाता है, उन्हीं को खिलाते हैं, उन्हीं को जो है मानता होती है, उन्हीं वापस ले जाती है। किस नाम से सवारी जानी जाती है? हजरत इमाम हुसैन का दुलदुल जुलूस। पूरा बुंदेलखंड तो आपको यहाँ चरखाई पूरे आपको समझिए, आपका आगरा बम्बई आया हर जगह आदमी आता, लाखों की भीड़ रहती है, मतलब अगर रहता है रात भर प्रशासन अपना देखभाल सब, हम लोग खुद भी मतलब उन्हीं के नाम छोड़ देते हैं, इमाम साहब के नाम छोड़ देते हैं, आप देखिए वो आप ही को संभालना है, हम लोगों की बस की नहीं, हम तो सेवा करने का हम लोग सही वैसे मन्नत मानते हैं और कहते हैं कि पूरी होता है, कुछ लोग तो ये कहते हैं कि ये सब अंधविश्वास है। जी तो आप अपना अंदर ये विश्वास होता है। हाँ। अब ऐसा है कुछ लोग तो कहते हैं, अब जब विश्वास नहीं होता तो लाखों की भीड़ आती कैसे, वो आए और साल में मतलब हजारों आदमी की मतलब मुराद पूरी होती है, हजारों निब्बू आते हैं तो मुराद होती है, जब तो चढ़ते हैं कोई शक्ति है जब तो चढ़ते हैं, जिनकी मुराद पूरी हो जाती हैं, नींबू चढ़ते हैं, चांदी के भी और क्या कहते हैं सोने के भी चढ़ते हैं और क्या कहते हैं बहुत से मतलब बहुत भीड़ बहुत होती है, सहरा भी चढ़ते हैं और क्या कहते हैं ये मेवा भी चढ़ती हैं, मतलब सभी मतलब हर चीज़ की और बहुत जल्द उनकी मानता पूरी होती है, जो भी मानता है वो पूरी होती है। पुरदादा से मतलब चला आ रहा हमारे यहाँ से असगर घोड़े वाले चरखेड़ी कजियाना मोहल्ला है ये, अब मतलब पहले हमारे परदादा पूरे सभी की उससे निकलता चला आ रहा था, अब हमारा छोटा भाई है वो निकाल रहा है, वो यहाँ से मतलब दुलदुल की सवारी निकाली आती है। वैसे अगर हमेशा अगर घोड़ों को जलेबी खिलाई जाए तो क्या जूठी खा लेंगे? नहीं, ये हर थोड़ी ना घोड़े की जलेबी खा सकते हैं कि कोई भी मतलब ये इमाम साहब की सवारी है, इनको सवारी आ जाती, आप देखिएगा जौन तारीख से आता है तो घोड़ा यहाँ पर हमारे यहाँ पर तो कुछ नहीं होता, और जिस दिन से मतलब सवारी चालू हो जाती है उस दिन घोड़ा ही कुछ मतलब और ही मतलब कुछ महसूस होने लगता है उसके ऊपर कि हाँ हमारे ऊपर सवारी आ गई है। प्रत्येक घर में कितनी भीड़ मचती होगी? करीब 50-60 लोग एक घर में रहते हैं। क्यों? सभी सब लोग आते हैं हर घर में, देखना 50-60-70 लोग 100 लोग इतना लोग हो जाते हैं। किस तरह की आप लोगों को व्यवस्था करनी पड़ती है पहले से बहुत ज़्यादा करना पड़ती है, साफ सफाई खाना पीना से लेके हर चीज़ सब कुछ करना पड़ता है। तो ये घड़े के लिए कितना उत्साहित रहती हैं? बहुत ज़्यादा, बहुत खुश रहते हैं। आपके भी यहाँ मेहमान आते हैं? हाँ, खूब आते देखने के लिए। हाँ,
कैसे उनको बुलाती हैं कि अपने नहीं अपने मन से आ जाती, बुला भी लेती, मानता भी करती, सब करती। वैसे तो घोड़ा का छूने से भी वो छूट जैसा मानते हैं, पर किस दिन नहीं मानते, नहीं मानते हमारे यहाँ मुस्लिम कोई है नहीं, सब लोग एकजुट होकर साथ में रहते और साथ पूरे पूर्ण रूप से साथ देते। कई बार ऐसा माहौल आया कि नवरात्रि और 7 तारीख साथ में पड़ गई तो सब लोगों ने एक साथ मिल के बराबर काम किया। अगर हिंदुओं का त्यौहार हो तो सभी मोमिन मनाते हैं यहाँ पे, और इनका है तो ऐसा है कि स्टेट टाइम का है तो इसमें तो सभी लमसम 99% हिंदू साथ में खुद दर्शन करने जाते घोड़ा के। खबर लहरिया, आपकी खबर आपकी भाषा।